हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आधार इंडिया यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, 86,000 शिक्षक भर्ती का जो ये पोस्ट वायरल हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित जो भी ऑथेंटिक जानकारी है, उसके लिए आपने अभी तक आधार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि समय समय पर आपको एजुकेशन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा की कि प्रदेश में 86,000 शिक्षकों की भर्ती करवाई जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फरवरी 2019 तक नई एग्ज़ाम नई भर्ती करवाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए फरवरी 2019 तक किसी भी नई एग्ज़ाम करवाने का समय नहीं है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 86,000 शिक्षकों की भर्ती जो घोषणा की है, ये बात तो सही है, परंतु अभी नई भर्ती नहीं करवाई जाएगी। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन जारी करके दिसंबर में और उसके फॉर्म वगैरह कुछ प्रोसेस करवा लें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रोसेस और इस नई भर्ती के लिए लगभग 2 साल लग जाएंगे। दोस्तों, नीचे ये पोस्ट वायरल हुई थी कि शिक्षा विभाग में 86,000 पदों पर भर्ती जोधपुर में कल वसुंधरा राजे ने घोषणा की है। दोस्तों, साथ में बताया गया कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के 9,000 पदों को बढ़ाकर 17,000 पद किए जाने की संभावना है, और साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के 5,000 पदों को बढ़ाकर 10,000 पद किए जाने की संभावना है। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन सब से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों, अगर नई भर्ती आएगी तो वो तुरंत आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों, नई भर्ती अभी तक फरवरी से पहले बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है, और हाँ, अगर नई भर्ती या नया नोटिफिकेशन कुछ भी जारी होता है तो उसको करवाने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे अभी। और हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि पदों को कुछ सेकंड ग्रेड के पदों को कुछ बढ़ाया जा सकता है, परंतु उसका अभी तक ऑफिशियली आरपीएससी द्वारा कुछ भी अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में जो 86,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा थी, ये तो सच था, परंतु जो शिक्षकों की भर्ती की घोषणा चुनावी माहौल में की जाती है, तो वो चुनावी माहौल के अंदर कर दी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, परंतु अभी इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहो।